फायर क्लेम चैप्टर में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन ओल्ड एडिशन एंड न्यू एडिशन दोनों में ही सेम है, फिर भी आप क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लो अपने बुक में अगर नहीं मिल रहा है तो। अ फायर अकर्ड इन द शॉप विच इज नोन एज हेवन ऑफ श्री लोटस ऑन 22 अक्टूबर। ईयर अलग हो सकता है आपके बुक में, इस बुक में 19 लिखा हुआ है। डिस्ट्रॉइंग द स्टॉक, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम। नाउ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एंड सेल्स फॉर द ईयर 18 आर। अब 18 के दिए हुए हैं तो 18 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 18। सो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड क्या आता है? सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स रिटर्न हो तो माइनस कर देंगे, सम में है नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। सो कितना कितना है? ओपनिंग स्टॉक 9000, क्लोजिंग स्टॉक 18000, परचेज 55000, सेल्स 60000। सेम यहां पर भी आ जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस। अब आगे लिखा हुआ है एंड परचेज एंड सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 22 अक्टूबर वर। परचेज है 34000, 827 एंड सेल्स हुई है 49600 आर रेस्पेक्टिवली। नाउ फर्स्ट पॉइंट, ऑन 1 अक्टूबर गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब 1000 रुपीज के गुड्स फ्री में दिए हैं, कब दिए? 1 अक्टूबर 19 को। तो ये तो 18 है, 19 यहाँ पर आएंगे। नाउ 1 अक्टूबर 19 को 1000 के गुड्स फ्री में दिए, फ्री में दिए हुए गुड्स को क्या बोलते हैं? फ्री में दिए हुए गुड्स होते हैं GGOTS, लिख दो GGOTS, इसे कहते हैं GGOTS। GGOTS का मतलब होता है गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, लिख दो पूरा गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स, GGOTS, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। अब कंसेप्ट को समझते हैं, गुड्स बाहर जाते हैं बिजनेस में जब हम सेल करते हैं, और परचेज करते हैं तो अंदर आते हैं, ठीक है। नाउ गुड्स बाहर जा रहे हैं, सेल होकर जा रहे हैं तो पैसा अंदर आएगा, बट समझो किसी को गुड्स फ्री में दे दिए तो गुड्स तो गए, पैसा आया नहीं। अब फ्री में क्यों देंगे? फ्री में गुड्स मीन्स बाहर जा रहे हैं बिजनेस में से, बट पैसा नहीं आ रहा है। जो स्टूडेंट्स मेरे पास 11 से लेकर हैं वो कंसेप्ट क्लियर होगा उनका कि GGOTS क्या होता है। सपोज करो कि एक जनरल स्टोर है, उसके बाहर एक बहुत ही गरीब आ गया, पुअर पर्सन है, और वो उससे खाने के लिए कुछ मांग रहा है। उसने एक ब्रेड का पैकेट दे दिया 10 रुपये का, तो गुड्स तो दिए बट पैसा तो लिया नहीं, तो इसे GGOTS कहेंगे, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। अब कितनी टाइप्स के हो सकते हैं? तो एक तो हुआ फ्री सैंपल, जैसे इसमें दिया हुआ है फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या होता है कि अपने ही कस्टमर्स को एक सैंपल दिया जाता है, हर बिजनेस करता है ये।
समझो किसी ने, किसी के पास बहुत बड़ी कपड़े की मिल है, उसने कोई न्यू डिज़ाइन बनाया, तो सबको एक छोटा सा सैंपल बेचता है, दैट इज़ सैंपल। या इवन आप किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पर माउथ रिफ्रेशनर, मुखवास जिसे कहते हैं हिंदी गुजराती में, बेचने वाले होते हैं, रखे होते हैं, टेस्ट के लिए देते हैं। आप परफ्यूम लेने जाते हो, वो टेस्ट के लिए देते हैं, सो दैट इज़ फ्री सैंपल, इसका कोई पैसा नहीं होता। फिर दूसरा होता है चैरिटी, अगर गुड्स चैरिटी में दे दिए तो भी फ्री में जाते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए, जिसका शॉप है वो अपने यूज़ के लिए अपने ही शॉप से कुछ घर ले जा रहा है, तो पैसा तो देगा नहीं, उसका खुद का शॉप है। और चोरी हो गए, चोर चोरी करके क्या पैसे रख के जाएगा क्या? नहीं। सो ये सारे GGOTS में आते हैं। हाँ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स तो जले गए, पैसा आया क्या? नहीं। तो ये सारे GGOTS में आते हैं, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल। अब इसके इफेक्ट्स को समझते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। सो इसके इफेक्ट्स में दो ऑप्शन है आपके पास, कौन से? GGOTS का इफेक्ट देना हो तो एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दो, दूसरा परचेज में से माइनस कर दो, डिडक्ट फ्रॉम परचेज। या ट्रेडिंग में क्रेडिट करेंगे, आइदर इस साइड आ जाएंगे तो परचेज में से डिडक्ट करेंगे, दोनों इफेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो GGOTS के ये इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर कितने के गुड्स फ्री सैंपल में दिए? 1000 के। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बाय फ्री सैंपल 1000। देन आगे दिया हुआ है, ऑन द सेम डे गुड्स कॉस्टिंग 500 वर टेकन फॉर पर्सनल यूज। 500 के गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिए, तो ये भी क्या था? GGOTS हुआ। एंड गुड्स कॉस्टिंग 627 वर गिवन इन मोरबी फंड। मोरबी फंड क्या है? चैरिटी, ठीक है, बाय चैरिटी। These transactions were not recorded in the books of account. ये transactions record नहीं किए हुए थे, चलिए record कर लिए। Now आगे दिया हुआ है कि the stock salvaged was 3200. जब आग लगी थी तो इन्होंने 3200 के goods बचा लिए, तो वो कहाँ पर आता है? तो वो statement showing amount of claim में आएगा कि closing stock, जो value यहाँ से निकलेगी वो लिखेंगे, minus goods saved। देखो ऑनेस्टली बता रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि हमने 3200 के गुड सेव कर लिए, नहीं भी बताएंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है, बट बताया है, बहुत अच्छी बात है, 3200 के गुड सेव कर लिए। सो ये माइनस कर देंगे क्लेम, द एक्सपेंस इनकर्ड टू मिटिगेट लॉस वर 1000। अब लॉस कम करने के लिए 1000 का एक्सपेंडिचर किया है। मिटिगेट लॉसेस का मतलब होता है, देखिए आग लग गई उस टाइम पर हमने अर्जेंट में कोई भी एक्शन लिया लॉस को बचाने के लिए, तो उसे कहते हैं मिटिगेट लॉस। समझो फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड तो एक साइड से आग बुझा रही है, लेकिन हमने कॉल करके प्राइवेट टैंकर्स भी मंगवा लिए कि वो भी आग बुझाए, उसके लिए 1000 रुपीज देने पड़े, सो दैट इज मिटिगेट लॉस। वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के साथ दे देती है, तो वो लास्ट में ऐड कर देंगे, क्लेम के अमाउंट में ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ मिटिगेट लॉसेस क्या होते हैं। या उस टाइम पर अर्जेंट में हमने क्या किया कि हमारा एक साइड से गुड्स जलना स्टार्ट हुए, समझो ये गोडाउन है, बहुत बड़ा गोडाउन है, ठीक है, यहाँ से आग लगी और पूरे पार्सल्स यहाँ भी पड़े हैं ऐसे, अब कैसे आग को बचाएंगे, यहाँ से आग लगना शुरू हो गई, तो हमने क्या किया, पास वाली फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे थे ना, उनको रिक्वेस्ट करके बोला लिया कि जल्दी से ये पार्सल बाहर निकालो यहाँ से,
यहाँ से ये लोग पार्सल बाहर निकालते जाएंगे, यहाँ से आग बढ़ती जाएगी, लेकिन कहीं तो डिस्कनेक्शन आ जाएगा ना आपका। तो अब उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करके ये पूरा के पूरे पार्सल्स निकाले और हमने उन्हें कुछ वेजेस दे दिए, मजदूरी दे दी। सो दैट इज़ अमाउंट मिटिगेट टू लॉस, लॉस को बचाने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर किया है और वो एक्सपेंडिचर हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है, क्लेम में ऐड हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ है, ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st January टू 20th May द क्लर्क श्री सुधीर नायक हैड मिस अप्रोप्रिएटेड कैश ऑफ ₹20 एवरी वीक, दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब एक क्लर्क था इनके पास और वो क्लर्क क्या कर रहा है कि एवरी वीक ₹20 कैश में से चोरी कर रहा है। तो उसने कितना पैसा चोरी किया होगा, सेल में से, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, सेल में से वो चोरी कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन कहते हैं। कब से चोरी कर रहा है, जो भी बिजनेसेस होते हैं ना उसमें जो कैश संभालने वाले होते हैं ना, अगर एक साथ 5, 25,000, 50,000 या 5 लाख चोरी कर दे तो पता चल जाएगा, लेकिन वो कैश काउंटर पर बैठा है ना, रोज़ 100 रुपया चोरी करेगा और उस बिजनेस का रोज का सेल 50-60 हज़ार रुपया है, कभी पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा, हाँ कैमरा में पकड़ा गया, किसी ने देख लिया व्हाट्सएवर, लेकिन ये काम तो बहुत टाइम से कर रहा था। सो ₹20 चोरी कर रहा है, सो ₹20 अगर सेल्स में से चोरी हो रहे हैं तो वो तो सेल हुआ है एक्चुअली। तो कब से चोरी कर रहे हैं, जनवरी से लेकर मई तक, तो कितना चोरी किया होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। पहले तो डेज काउंट कर लेते हैं कि कितने डेज होते हैं, जनवरी में कितने होते हैं, फरवरी में 28 या 29, मुझे ये बताओ, ये 19 ईयर है, लीप ईयर पता है कौन से होते हैं जिनमें 29 होता है, कौन कौन से होते हैं लीप ईयर, 4 की टेबल्स में आते हैं, यस 2004 लीप ईयर था, फिर 2008, 12, 4 की टेबल, 4, 8, 12, 16, 20 लीप ईयर था, अब 24 लीप ईयर आने वाला है, 28 आएगा, इन सब में फैब में 29 डेज होंगे, तो ये तो 19 है, तो 28 डेज, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई नहीं, मई को 20 डेज को 20 डेज तक उसने चोरी की है, तो मई के 20 ऐड होंगे ना, सो टोटल करो कितने डेज हुए, 140 डेज। अब 140 डेज तो 140 को डिवाइड करोगे 7 से तो कितने वीक्स हो जाएंगे, 20 वीक्स, ठीक है। अब उसने कितना मिस अप्रोप्रिएशन किया है कैश का, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश ₹20 पर वीक, ऐसे 20 वीक्स तक चोरी की है उसने, तो ₹400 उसने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, कैश की चोरी की है। और ये कैश कौन सा होगा, तो सेल हुए गुड्स में से चोरी किया है उसने, ठीक है, तो इस पीरियड के सेल में इसे प्लस करना पड़ेगा। सेल कितना हुआ था, 49,600 ये दिया हुआ था, अब इसमें ये ऐड करना होगा कि इसने ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश किया है, इतना सेल ज्यादा हुआ होगा ना, समझो ऑनर को तो पता है कि 49,600 सेल हुआ, बट उसमें से 400 तो कैशियर ने चोरी कर दिए, तो उसे पता नहीं था, अब पता चला तो सेल में ऐड करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि ये हुआ था हमारे पास, क्योंकि जितना सेल ज्यादा हुआ था उतने गुड्स बाहर गए होंगे और जितने गुड्स बाहर गए होंगे उतना लॉस कम हुआ होगा, क्योंकि थे ही नहीं वो गुड्स, सो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश लिखेंगे, सेल्स में प्लस कर देंगे। देन आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देयर वॉज प्रैक्टिस इन द फॉर्म टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। अब इनकी प्रैक्टिस क्या है कि इनके स्टॉक की जो भी वैल्यू होती है ना वो 10% कम लिखते हैं जानबूझकर, स्टॉक का वैल्यू 10% कम लिखते हैं।
अब 10% कम लिखेंगे तो क्या होगा? तो पहले मुझे ये बताओ कि जो फर्स्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है उसमें जीपी कितना हुआ इनका? पहले ये जो मैंने वर्किंग नोट लिखा है ना, इतना नोट डाउन कर लो, सिर्फ इतना ही करना और आगे मत करना, बस इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो तो हम आगे करें। नाउ अब क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस में डेड स्टॉक होता है, जो क्लोथ का बिजनेस करते हैं, मोबाइल्स का करते हैं, प्राइजेस कम हो जाते हैं, पैटर्न ओल्ड हो जाता है तो डेड स्टॉक होता है। तो बहुत सारे बिजनेस की एक प्रैक्टिस होती है कि अपने क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा कम लिखते हैं। क्लोथ में खास करके होता है, रेडीमेड का काम करने वाले होंगे उनका डेड स्टॉक हो जाता है, सो अपने स्टॉक को 10% कम लिखते हैं। बट जब इंश्योरेंस क्लेम लेना होगा तो 10% कम नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से तो पूरा पैसा लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से क्यों कम लेंगे। सो इनका प्रैक्टिस है, तो देखिए सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹100, अगर स्टॉक का मार्केट वैल्यू ₹100 है तो ये 10% कम कर देते हैं। तो अपने बुक में कितना लिखते हैं, बुक वैल्यू क्या कर देते हैं उसका, एम वी फॉर मार्केट वैल्यू एंड बी वी फॉर बुक वैल्यू, अपना बुक 90 लिखते हैं। नाउ अगर इनका बुक वैल्यू 90 है तो उस स्टॉक का मार्केट वैल्यू तो 100 होगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में उन्होंने कितना अमाउंट लिखा है, 18,000, ये बुक वैल्यू है। सो अगर लास्ट ईयर का बुक वैल्यू 18,000 है तो मार्केट वैल्यू हाउ मच, 18,000 into 100 divide by 90, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा 20,000। तो ये जो 20,000 मार्केट वैल्यू है, इस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर 20 लिखेंगे। अब अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 20 था तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 20 हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से तो पूरा लेना है। यहां पर अगर कम लिखेंगे, 18 लिखेंगे तो उनका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, सो 20 था। अब प्रॉफिट देखिए इनको कितना हुआ है, फिर से ध्यान से बताओ कितना हुआ है, 16। देखो इनकी प्रैक्टिस क्या थी, स्टॉक 10% कम लिखते हैं, अगर क्लोजिंग कम लिखा होगा तो ओपनिंग भी तो कम लिखा होगा ना उन्होंने, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो हर साल चलती आ रही है। फिर से यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 9,000 लिखा है बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, यही इक्वेशन से आपको अप्लाई करना है, इफ 90 बुक वैल्यू 100 मार्केट वैल्यू, इफ 9,000 बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू हाउ मच, कितना आंसर आ गया, 10,000। तो यहां पर लिखेंगे 10,000, क्योंकि ये हर साल ऐसा ही करते हैं, जितना भी स्टॉक होता है ना 10% कम लिख देते हैं। नाउ 60 प्लस 20 80,000, यहां पर 80, प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000। ठीक है, सो स्टॉक का वैल्यू क्लियर हो गया। अब हमें ये जो 15,000, ये तो एक वर्किंग नोट है, ये मैं दूसरा बना रहा हूं, यहां पर पहले ये नोट डाउन कर लो, चलो इतना ही करना बट ज्यादा नहीं, वर्किंग नोट्स नोट डाउन करना सिर्फ। चलिए सो नाउ
वर्किंग नोट के बाद अब हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्यों, ये देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है कि यहाँ जीपी कितना हो रहा था उनको, और जीपी होगा तो उतना ही जीपी सेम करंट ईयर में भी होगा, तो इसके लिए जीपी रेशियो, लास्ट लेक्चर में भी हम ये सीख कर आए हैं पॉइंट, जीपी रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सो लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, तो होता 15,000, सेल्स कितना है 60,000 इनटू 100, 25% ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 15,000 डिवाइड बाय 60,000 इनटू 100। अब अगर लास्ट ईयर 25 ग्रॉस प्रॉफिट था तो करंट ईयर का भी ग्रॉस प्रॉफिट 25% होगा, और ये 25% आप यहां लिख सकते हो 25% ऑन सेल्स, सेल्स पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो करंट ईयर में सेल का 25% जीपी होगा, 50,000 इंटू 25% 12,500, ठीक है। अब हमने जीपी कैलकुलेट कर लिया, अब जीपी कैलकुलेट कर लिया तो हमें करंट ईयर का स्टॉक मिल जाएगा। अब करंट ईयर का स्टॉक, जिस दिन आग लगी थी उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो अब हमें पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन मार्क, टोटल करके देखो, पहले डेबिट साइड का टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 67327। अब क्रेडिट साइड के पॉइंट्स माइनस करो और देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15,200। सो 15,200 एंड 67327, ये क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए हमें जीपी चाहिए, और इस जीपी के लिए हमें सारे इफेक्ट्स देने पड़े, और इस जीपी के लिए हमें ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ा, और लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट में से हमने जीपी फाइंड किया, उसका परसेंटेज फाइंड किया, वो हमने करंट ईयर में अप्लाई किया, तब जाकर हमें क्लोजिंग स्टॉक मिला। अब आ जाते हैं कि ये तो आप सम कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, तो रियलिटी में ये सब नहीं होता है, आपको करंट ईयर का सिर्फ ये बनाना है, लास्ट ईयर का तो आपके सीए के पास पढ़ा ही होगा ना, ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है, सीए के पास अवेलेबल होगा, और जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देती है तब हमारे पास स्टॉक की डिटेल मांगती है कि आपके पास लास्ट 5 साल का फाइनल अकाउंट दिखाओ, आपकी बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ऐसा नहीं हो कि बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ही 5 लाख का हो और हम 50 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है। सो ये तो अवेलेबल होता ही हर एक के पास, बट सम में आपको बनाना है तो वो सीखना है आपको। इससे पहले वाले सम की बात करें या फर्स्ट डे के लेक्चर की बात करें, तो आपको ये जीपी का परसेंटेज सीधा बुक में दिया हुआ था, मीन्स ये ट्रेडिंग हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, जीपी, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, सीधी वैल्यूज दी हुई थी। अगर ऐसा सम आ गया है तो लॉटरी है आपकी, सिर्फ 5 वैल्यू लिखनी है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है और अमाउंट ऑफ क्लेम दिखाना है। चलिए, नाउ क्लोजिंग स्टॉक मिल गया हमें, कितना हुआ क्लोजिंग स्टॉक, 15,200, माइनस करेंगे 3,200 के गुड सेव्ड हो गए थे 12,000, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर लॉस ऑफ स्टॉक, इतना लॉस हो गया, 12,000 का स्टॉक लॉस हो गया। नाउ 12,000 का स्टॉक तो लॉस हो गया, प्लस कुछ एक्सपेंसेस किए थे मिटिगेट, जो मैंने आपको बताया इंश्योरेंस कंपनी देती है, कितने का एक्सपेंस किया था, 1,000 का, सो 12 + 1,000 13,000 का एक्सपेंडिचर किया था, तो ये 1,000 का एक्सपेंडिचर किया था, 13,000 हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम, ये आपका वर्किंग नोट है जीपी का, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्लोजिंग स्टॉक हुआ 15,200,
ये फाइंड करने के लिए हमें जीपी चाहिए, जीपी के लिए परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज के लिए हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहाँ से हमारा परसेंटेज निकला, उससे प्रॉफिट पता चला, फिर क्लोजिंग स्टॉक पता चला, क्लोजिंग स्टॉक में से जो गुड्स सेव्ड हो गए वो माइनस किए, बाकी हमारा लॉस हुआ, प्लस जो एक्सपेंसेस हुए वो मिले, तो अमाउंट ऑफ क्लेम हमें मिल गया। देखो है आंसर अमाउंट ऑफ क्लेम 13,000, ठीक है। चलिए सो नाउ अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।